कोयला कैसे डलता है अंदर इसमें? इसमें कोयला होता है, इसमें कावा होता है। कावा किस किस से बनता है? कावा बनता है ना, कावा इसी से बादाम तो है उसमें, बादाम, काजू, किशमिश और कावा का मसाले। ओके। ट्रेडिशनली समावार है, समावार हम इसको बोलते हैं, समावार। ये यहाँ हम बरसों से कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, हमारे परदादा वगैरह यूज़ करते हैं इसको। हमारे यहाँ बिजली का इतना फैसिलिटी नहीं होता है, जो बैकवर्ड एरिया होते हैं उनमें ज़्यादा बिजली का नहीं होता है। वहाँ पर अगर हम गर्मी चाय बनाते हैं या कहवा बनाते हैं, हम इसी में बनाते हैं। ये यहाँ से ऊपर से हम इसमें कोयला डालते हैं, इसमें कोल ओके, यहाँ से कोल डालते हैं अंदर, फिर उसमें चिंगारी डालते हैं और कोल जलता है, फिर इसमें से चाय लगाते हैं, पानी लगाते हैं, फिर इसमें दूध लगाते हैं, ऊपर से चाय की पत्ती लगाते हैं और ये दिन भर उबलता रहता है। इसमें चाय होती है, इसमें कोल होता है, उबलता रहता है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, ढक्कन के बिना रखेंगे, तो इसमें ये उबलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें से आयर जाता है, आयर की वजह से वो जो कोयला ज़्यादा जल जाता है, उसको ये लगता है। हम इसको बंद रखेंगे ऐसे, गर्मी भी ये कूल हो जाएगा, अच्छा ठंडा हो जाता है। ये समावार है लगती है यहाँ पर। आज इसकी चाय जो होती है ना, वो बहुत मीठी होती है। कंप्यूटर जो हम बनाते हैं, गर्मी गैस बनाते हैं, गैस में बनाते हैं या कैटली का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ शादियों में इसका इस्तेमाल होता है, इसमें ज़्यादा जी बड़ी कैटली होती है ना, उसमें कितना कितने कप होगा उसमें 40 कप ज़्यादा से जब बड़ी, इसमें 50 कप ज़्यादा से 60 कप बनते हैं। शादी पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेहमान आते हैं ना बहुत ज़्यादा, हाँ। लगा रहता है, दिन भर उबलता रहता है इसमें चाय। अच्छा, ओ यहाँ का 20-30 हज़ार का रहता है? हाँ, डिपेंड होता है जितना बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा उतना बड़ा रेट होगा। तांबे का होता है ये जो है, इसमें एशेज होते हैं। हाँ, ओके।